नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री रसिका जोशी, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। रसिका जोशी राइटर, निर्देशक और प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। सिल्वर स्क्रीन की दुनिया में कई ऐसे सितारे हुए जिन्हें उनके नाम से भले ही पहचान ना मिली हो, लेकिन उनका चेहरा ही शोहरत की निशानी बन गया। ऐसी ही एक कलाकार रसिका जोशी, जिनकी पर्दे पर मौजूदगी ही ठहाके लगाने के लिए काफी होती थी। 12 सितंबर 1972 के दिन मराठी ब्राह्मण परिवार में रसिका जोशी का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत थिएटर से की थी। सबसे पहले वो लता नार्वेकर के मराठी नाटक ऊंचा माझा जोका में नजर आई थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अपनी कॉमेडी से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने में माहिर रसिका सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने बतौर राइटर और डायरेक्टर भी काम किया। रसिका जोशी की बात हो तो सबसे पहले फिल्म भूल भुलैया में निभाया गया जानकी बुआ का उनका किरदार आज भी हर किसी की यादों में ताजा है। अक्षय कुमार स्टारर इस फिल्म में रसिका ने बेजोड़ अभिनय से हर किसी का दिल जीत लिया था। इसके अलावा उन्होंने बिल्लू बार्बर, गायब, वास्तुशास्त्र, जॉनी गद्दार, मालामाल, वीकली, भूत अंकल, खलबली और एक थी हसीना आदि फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा। रसिका जोशी ने छोटे पर्दे पर भी अपने अभिनय का दमखम दिखाया था। वो गम्मत जम्मत, हंसा, चकटू, आनंदवन और प्रपंच आदि धारावाहिकों में नजर आई। इसके अलावा उन्होंने बंदनी सीरियल में मोती बेन की भूमिका निभाकर हर किसी के दिल को जीत लिया था। रसिका जोशी बंदनी सीरियल में काम कर रही थी, उसी दौरान उन्हें कैंसर होने की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया और अपना इलाज कराने लगी। हालांकि जंग में वो जीत हासिल नहीं कर पाई और 7 जुलाई 2011 के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गई। दोस्तों, रसिका जोशी के बारे में एक बार संक्षिप्त में जानकारी। रसिका जोशी एक मराठी और हिंदी फिल्म अभिनेत्री थी, एक मराठी थिएटर और भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री। वो बॉलीवुड फिल्मों में महाराष्ट्रीयन भूमिकाओं के लिए जानी जाती थी। 12 सितंबर 1972 मुंबई महाराष्ट्र में रसिका का जन्म एक मराठी हिंदू परिवार में हुआ था और उनका विवाह निर्देशक अभिनेता गिरीश जोशी से हुआ था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत लता नार्वे के मराठी नाटक से की थी, जिसमें अविनाश मासूरेकर और स्मिता तलवरकर ने अभिनय किया था। उनकी आखिरी फिल्म राम गोपाल वर्मा की नॉट ए लव स्टोरी, उन्होंने व्हाइट लिली एंड नाइट राइड नाटक में लेखक और निर्देशन साथ में अभिनेता के रूप में भी काम किया। रसिका जोशी को पहली बार एक थी हसीना में नोटिस किया गया था। यह राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी। राम गोपाल वर्मा की ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने काम किया, साथ में प्रियदर्शनी की भी काफी फिल्मों में उन्होंने काम किया। इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों के नाम, गायब 2004 में आई, एक हसीना थी 2004 में आई, वास्तुशास्त्र 2004 में आई, डरना जरूरी है 2006 में आई, मालामाल वीकली 2006 में आई, डार्लिंग 2007 में आई, जॉनी गद्दार 2007 में आई, ढोल 2007 में आई, भूल भुलैया 2007 में आई, बेताली 2008 में आई, बिल्लू बार्बर 2009 में आई, नॉट ए लव स्टोरी 2011 में आई। रसिका मराठी धारावाहिक प्रपंच, घड़ते बिगड़ते, बुआ आला और ये दुनिया है रंगीन से एक घरेलू नाम बन गई। बंदनी में तारुलता के रूप में उनके अभिनय की काफी सराहना हुई। रसिका जोशी एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री थी, जिन्होंने कई फिल्मों, थिएटरों के साथ साथ टेलीविजन धारावाहिक में भी अभिनय किया। उनके कुछ प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक घड़ले बिगड़ले, प्रपंच बहुत लोकप्रिय रहे।
घर घर में उन्हें पहचान मिली। उन्होंने मराठी फिल्म यदा कर्तव्य आहे भी लिखी, इसमें राइटर थी वो। मिलिंद फाटक के साथ उनके स्वलिखित निर्देशित निबंधित नाटक व्हाइट लिली एंड नाइट राइड ने कई पुरस्कार प्राप्त किए। 7 जुलाई 2011 को 38 वर्ष की उम्र में मुंबई में एक नर्सिंग होम में कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।